हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने माल्टीटोफ के बारे में पढ़ लिया था और यहाँ पे दो हमने अहम रिप्रेजेंट किया है। जो हमारा प्रोटीन सैंपल था जिसको हम स्टडी कर रहे थे, इसको आयनाइज करने के लिए हमने एक मेथड स्टडी किया था, माल्टीटोफ मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड। इसमें सैंपल और मैट्रिक्स लिया था एक रेशो में, और उसके बाद हमने अपने जो सैंपल मॉलिक्यूल है उसको लेज़र की हेल्प से हमने क्या किया था, आयनाइज किया था। तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाला प्रिंसिपल ही यूज़ हुआ था, और माल्टीटोफ में सिर्फ एक जगह पे स्टेप चेंज था कि यहाँ पे हमने लेज़र का यूज़ किया था अपने सैंपल से आए चार्ज को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और जब मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं, जब हम अपने सैंपल पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं तो उसके बाद हमारा जो सैंपल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो आयनाइज हो जाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे था। आज हम ESI के बारे में बात करेंगे। ESI में भी हम सेम चीज़ों को फॉलो करेंगे, बस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेप में चेंजेस होंगे। वो अलग स्टेप होगा जब हम अपने मॉलिक्यूल को आयनाइज करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा सैंपल है, सैंपल को हमने सेंटर में रख लिया है, एम से हमने सैंपल को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इसके चारों तरफ आप यहाँ पे क्या करोगे, सैंपल के चारों तरफ मैट्रिक्स डाल दोगे। जैसे कि मैट्रिक्स हमने वहाँ पे डाला था, यहाँ पे भी हम अपनी मैट्रिक्स को से कवर कर देंगे इसको, अपने सैंपल को। उसके बाद इसके चारों तरफ क्या डालेंगे, इसके चारों तरफ एक लिक्विड सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पे रखा जाता है। पहले सबसे सेंटर में हमारे पास प्रोटीन सैंपल होगा जिसको हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद हमारे पास होगा हमारा ये वाला मैट्रिक्स जो होगा, और उसके बाद हमारे पास लिक्विड सैंपल होगा, चारों तरफ लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ये एक माइक्रो ड्रॉपलेट बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही लिक्विड सॉल्वेंट मैट्रिक्स पे प्रेशर डालना शुरू करेगा तो लिक्विड सॉल्वेंट के प्रेशर की वजह से जो मैट्रिक्स है वो हमारे प्रोटीन पे प्रेशर डालेगा, और उसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन सैंपल है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब हम माइक्रो ड्रॉपलेट बना लेते हैं तो इन इट प्रेशर इंक्रीज एंड हीट डिक्रीज, क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंदर इस ड्रॉपलेट इस स्फीयर की वजह से, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया अंदर की तरफ, तो अंदर जो है वाटर अंदर जो है हीट बहुत ज़्यादा थी पहले मैट्रिक्स की वजह से, तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो हीट जो है वो चारों तरफ फैलने लग गई है बाहर की तरफ। बाहर क्या है, लिक्विड गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब हम यहाँ पे इस लिक्विड सॉल्वेंट में से, मतलब कि अपना ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है जब इस माइक्रो ड्रॉपलेट में, तो उसकी वजह से हमारा जो लिक्विड लेयर है जो यहाँ पे चारों तरफ है, यहाँ पे इसमें हीट जो है वो बढ़ने लग जाती है। हीट बढ़ने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। सबसे अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के चारों सबसे अंदर प्रोटीन सैंपल है, इसके चारों तरफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर लिक्विड लेयर है। जैसे ही हमारा मैट्रिक्स अंदर दबा हुआ है तो हमारा जो प्रोटीन सैंपल है अंदर दबा हुआ है, ये मैट्रिक्स पर प्रेशर क्रिएट करता है, और उसकी वजह से प्रेशर जो है आउटर लेयर पर क्रिएट होता है। आउटर लेयर में फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाती है, ड्यू टू प्रेशर हीट इंक्रीज हो जाती है, तो ये इनकी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन अब हमारे मैट्रिक्स पे आके गिरेंगे और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल देंगे। तो इस तरीके से प्रेशर के बढ़ने से हीट बढ़ेगी, और हीट के बढ़ने से जो लिक्विड की सॉल्वेंट के अंदर मॉलिक्यूल हैं उनका इलेक्ट्रॉन है जो उनका मूवमेंट शुरू होगा, और उनके मूवमेंट के शुरू होने की वजह से वो अब बम्बार्ड करेंगे हमारे मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स पर जब वो गिरेंगे तो उसके बाद मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम स्टेप हुआ, इसको हम इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्प्रे करवाया गया है। इस लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और प्रेशर की वजह से हीट बढ़ी, हीट से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हुई, और इलेक्ट्रॉन ने एम पे जो हमारा सैंपल है उस पर हीट करना शुरू किया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो इस तरीके से जो हमारा एम है वो एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा आयनाइज मॉलिक्यूल है नाउ, और इसके बाद का प्रोसीजर सेम रहेगा। हमारा आयनाइज मॉलिक्यूल नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंटाइज्ड मॉलिक्यूल, दैट इज एम फ्री रेडिकल प्लस चार्ज, एंड नाउ इट गोज अंडर मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट गेट्स सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। एंड नाउ इन द लास्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, वी
डिटेक्ट आर सैम्पल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उनकी हेल्प से हम एनालाइज करेंगे अपने जो हमारे प्रोटीन के सैंपल हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, जो कि सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किया था. हमारे डिटेक्टर पे जो प्रोटीन के सैंपल आए थे वो प्रोटीन के सैंपल उनके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट हुए थे. फिर हमने उसको क्या किया था, उसको हमें कंप्यूटर डायनोड्स उसमें लगे होते हैं डिटेक्टर में, जो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं. और इसके बाद फिर हमने क्या किया था, हमारी कंप्यूटर में डिफरेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स होते हैं जो यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं इसको मतलब कि रिमूव करने में, सॉरी इसको डिटेक्ट करने में, एनालाइज करने में कि हमारी कौन सी प्रोटीन हम स्टडी कर रहे हैं. तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको तीन टेक्निक समझा दी हैं. पूरा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल समझाया. PMF हम कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ से जो प्रोटीन मिलती है वो बड़े फ्रेगमेंट की होती है, लेकिन हमें अगर मालडीटॉफ के साथ खेलना है, साइटॉफ के साथ हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें छोटे फ्रेगमेंट वाली प्रोटीन चाहिए होगी जिसको हम पेप्टाइड बोलते हैं. उसके लिए हम पेप्टाइड मास फिंगर प्रिंटिंग यूज़ करते हैं. उसके बाद हम या तो मालडीटॉफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ESITOF का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही मेथड से हम अपना एक आयनाइज मॉलिक्यूल बनाएंगे. और उसके बाद इस मॉलिक्यूल को हम फ्रेगमेंटाइज करेंगे, और फ्रेगमेंटाइज करने के बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे अंडर मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे और उससे हम इसको सेपरेट कर लेंगे अपने डिटेक्टर के ऊपर. और डिटेक्टर पे जैसे ही हमारे पास प्रोटीन आएगी उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में रन करवाएंगे. कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है, तो वहाँ पर हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे. मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स और दिस नॉर्मल टेक्निक्स इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड. अगर आप प्रोटियोमिक्स स्टडी कर रहे हो तो प्रोटियोमिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट यही होता है कि यहाँ पे हम प्रोटीन को सेपरेट तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं. तो आई होप आपने इन तीनों टेक्निक को बहुत अच्छे से समझा होगा. और इसके बाद की टेक्निक हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है. आई थिंक इसके बाद की टेक्निक में हम पढ़ेंगे TMS यानी कि टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, दैट इज MS/MS, विच इज़ अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो यहाँ पे हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा मान लो कि हम यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एक एनालाइजर यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो इतना डिटेल में मैं उसको नहीं बताऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे बायोटेक्निक नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद प्रोटियोमिक्स. तो मैं आपको एक सिंपल ब्रीफली डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ दिस टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री. अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियोस चाहिए हैं या डिटेल्ड आपको कुछ भी चाहिए हैं तो मैं आपको एक चैनल रेफ़र कर सकती हूँ, दैट इज़ चोमो बायोलॉजी. आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो क्योंकि वो बहुत टीचर अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं. मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन बस मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ और उसके बाद मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ कि एक्सप्लेन कर सकूँ. तो अगर मेरा रेफरल जो भी आप रेफरेंस बोलोगे तो ये एक तरीके से उन्हीं को जाता है क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं विद यूट्यूब. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये उनके चैनल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, बट ये इंग्लिश में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. उनका जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहा है वो मोस्टली इंग्लिश ही रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको इजी वे में समझाऊंगी, लेकिन वो मेरा मोड जो रहेगा वो हिंदी का ही रहेगा और इंग्लिश भी हो सकता है बीच में. तो आप एक बार अगर आप वहाँ से ट्राई कर लेना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी. और मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, फिर से बता रही हूँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आप एक अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सको. कहीं से भी नॉलेज मिले दैट डजेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको नॉलेज मिलनी चाहिए. तो यहाँ पे आप टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. बायोटेक्निक का वैसे ये टॉपिक कवर होता है बायोटेक्निक में, लेकिन क्योंकि हम प्रोटियोमिक्स डील कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि व्हाट इज टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ताकि हम अपने प्रोटीन को यूज़ कर सकें, प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकें, अपनी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल जो है उनका मतलब उनकी हेल्प लेके हम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, ये पूरा पेज जो है TMS को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा. तो आने वाली वीडियो में इस बारे में बात करते हैं और आगे के जो टॉपिक हैं वो भी चलेंगे कंटिन्यूटी में. और थोड़ा लेट वीडियोज़ आ रही हैं ड्यू टू सम इशूज़ बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडिंग, दैट्स आई मेरे खुद के जो है मतलब अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चलते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, तो अभी थोड़ा बिजी रहती हूँ. तो आई होप आप समझोगे. तो हम इस वीडियो में नेक्स्ट भी हैं, अब आने वाले टाइम में हम इसके साथ डील करेंगे. ठीक है.
तो प्लीज़ आप एक बार ना स्टार्टिंग से प्रोटियोमिक्स को पढ़ लेना, क्योंकि ये रिवाइज करोगे जितनी बार उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। प्रोटियोमिक्स बहुत थोड़ा, मतलब ऐसे मान सकते हो, टफ टॉपिक है। पूरे यूट्यूब पे पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक किसी ने नहीं समझाया है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर नोट्स उसके मिलें। मेरी चैनल पे इसके नोट्स हैं। आप मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है, मेरी प्रोटियोमिक्स वाली प्लेलिस्ट में एक एक दो जगह पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ भी मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा प्रोटियोमिक्स कवर करवाऊँगी विद नोट्स, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा और प्रोटियोमिक्स बहुत इजी से आपको समझ भी आ जाएगा। इतना ज़्यादा अगर नहीं भी आएगा अच्छे से, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा उस चीज़ को लेके, फिर आप कहीं से भी स्टडी करोगे तो ईजीली आपको समझ आ जाएगा। आई होप आप मेरी वीडियोज़ का बेनिफिट ले रहे हो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आई होप आप अच्छे से चीज़ों को कवर करोगे और प्लीज़ सीरियस होके पढ़ना। अगर कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसको एंड तक देखिए, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ खेलते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।